विर्गो और जेमिनी के साथ को देखा जाए तो विर्गो का आंसर मिट्टी और जेमिनी का हवा है। मिट्टी और हवा के दरमियान मुखालफत है। इल्मे नजूम के कवाद के मुताबिक इन दोनों के दरमियान एक मुखालिफ जाविया नज़र भी मौजूद है। जेमिनी शख्सियत अपने मुस्बत पहलुओं में हाजिर जवाब, खुशतबा ज़हीन, सरगर्म, हमागीर, मसलहत अंदेश और बात तदबीर है, जबकि इसके मनफी पहलुओं में तजब्जब, बेतरतीबी, खुदपसंदी, बेपरवाही, ढलमल यकीनी वगैरह शामिल है। विर्गो और जेमिनी अगरचे दोनों ही सियारा तारत ही के बरूज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आम मेल जोल और दोस्ती का जहाँ तक ताल्लुक है, विर्गो एक जेमिनी शख्सियत को इसकी जिंदा दिली, खुश मिजाजी, तेज फहमी की बिना पर बहुत पसंद करता है, क्योंकि विर्गो खुद बहुत संजीदा मिजाज है। लिहाजा जेमिनी की पुरमज़ा बातों से इसका दिल बहलता है, लेकिन महज दो कदम चलने के बाद ही इसके बुनियादी इख्तलाफात भी उभर के सामने आ जाते हैं। विर्गो अमलियत पसंद है, जबकि जेमिनी बेशतर वक्त ख्वाब व ख्याल की दुनिया में रहता है। विर्गो को तगैर और तबदल वगैरह की कोई परवाह नहीं, मगर एरिस जेमिनी के नज़दीक ज़िंदगी मुसलसल तगैर और तब्दीली का नाम है। इसके लिए तब्दीली बहुत ज़रूरी है, जहन की तब्दीली, दिल की तब्दीली, जगह की तब्दीली और रिश्तों की तब्दीली। विर्गो को तरतीब और नफासत बहुत पसंद है। जेमिनी का खाना इन दोनों सफात से अक्सर खाली रहता है। विर्गो के जज्बात को बहुत आसानी से ठेस लग जाती है और वो इस ठेस को मुद्दतों फरामोश नहीं कर पाता, जबकि जेमिनी ऐसी बातों का आर्जी असर लेता है, लिहाजा ये जोड़ी ज़्यादा देर पा नहीं साबित होती।